हेलो स्टूडेंट ऑफ सिक्स क्लास, वेलकम टू साइंस क्लास। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 119, चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है बॉडी मूवमेंट्स। बच्चों, आज से हम आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको चैप्टर 8, 9 और 11 का बुक वर्क का रिवीजन कराऊंगी पहले, उसके बाद हम कॉपी वर्क का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से वीडियोस देखेंगे रिवीजन वर्क की, और उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर्स आपको बुक वर्क एंड कॉपी वर्क लर्न भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, ए एक्सरसाइज जो है, तो इसमें क्या लिखा है ये देखेंगे। सबसे पहले द नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन फोर आर्म इज, यानी कि जो फोर आर्म के अंदर बोन प्रेजेंट होती है, जो बोन होती है, हड्डी जो होती है, उसका नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेनियम, लिगामेंट, उल्ना एंड टीबिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उल्ना। उल्ना जो होता है वो हमारी जो फोर आर्म होती है उसके अंदर की जो हड्डी होती है उसका नाम ही उल्ना होता है। सेकेंड है डैश जॉइंस टू बोन्स, सेकेंड है डैश जॉइन टू बोन्स, यानी कि जो दो बोन को जोड़ता है, दो हड्डी को जो जोड़ता है उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं। तो बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेनियम, ह्यूमरस, लिगामेंट एंड टेंडन। तो इसका आंसर है लिगामेंट्स। थर्ड है द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन बैकबोन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन बैकबोन, यानी कि बैकबोन के अंदर जो वर्टिब्रे होते हैं उनकी संख्या बतानी है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर जो बैकबोन होती है उसकी जो वर्टिब्रे है उसमें कितनी संख्या होती है, कितनी वर्टिब्रे होती है बैकबोन में, तो ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 29 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 33, थर्ड ऑप्शन 4 एंड फोर्थ ऑप्शन 14। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 33, यानी कि 33 वर्टिब्रे होती है हमारी बैकबोन में, जो एडल्ट की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर 33 वर्टिब्रे होती हैं। फोर्थ है डैश इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, यानी कि ब्रेन बॉक्स किसको बोला गया है, किसको कहा गया है। चार ऑप्शन हैं, ह्यूमरस, पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरियल गिर्डल और लास्ट है क्रेनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, क्रेनियम। क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोला गया है, ब्रेन बॉक्स जो क्रेनियम को बोला गया, यानी कि क्रेनियम इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोला गया है। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ एन एक्सो स्केलेटन, विच यानी कि इनमें से कौन से एनिमल्स हैं, जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। अब बच्चों आपको ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सोस्केलेटन होता क्या है। एक ऐसी इस प्रकार की स्केलेटन जो बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो आउटर साइड होती है, यानी कि जो बाहर की तरफ होती है, ठीक है, इस तरह का स्केलेटन जो आउटर साइड होता है हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आउटर साइड की स्केलेटन होती है, एक तरह से आउटर साइड का बाहरी ढांचा जो होता है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो इसमें जो बाहर का जो यानी कि जो अंदर होता है वही बाहर, एक तरह से आप बोल सकते हो इसको। तो मैन, फिश, कॉकरोच या बर्ड। फिश की बात करें, फिश के अंदर का जो स्केलेटन होता है वो अलग होता है और बाहर का अलग होता है, यानी कि जो बाहर है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम अंदर भी वैसा ही हो, यानी कि जो बाहर से दिख रहा है वही अंदर हो, अंदर उसके कुछ और होता है, बाहर उसकी शेप कुछ और होती है। बर्ड की बात करें, बर्ड में भी ऐसा ही होता है। तो सिर्फ एक कॉकरोच ऐसा है जो एक्सोस्केलेटन है, जिसकी जो स्केलेटन होती है विच इज़ ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के आउटर साइड होती है, तो इसका आंसर है कॉकरोच। सिक्स्थ है व्हाट इज़ द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्नेल, लोकोमोटरी ऑर्गन स्नेल का क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो लोकोमोशन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बॉडी मूवमेंट करती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो लोकोमोशन होता है। तो इस लोकोमोटरी ऑर्गन किसकी हेल्प से वो मूव करते हैं, मोशन में आते हैं, तो उसको उस ऑर्गन का नाम बताने, उसी ऑर्गन को लोकोमोटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। तो उस ऑर्गन का नाम है मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट के जरिए ही एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक कोई भी लिविंग बीइंग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, यानी कि पैरों से चलता है, मस्कुलर फुट होते हैं उसके, या फिर जो भी मतलब मूव करने के जो भी ऑर्गन होते हैं तो उसी को ही लोकोमोटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अब आते हैं बी एक्सरसाइज पर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें,
फर्स्ट है डैश एंड डैश सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू प्रोवाइड अस विद मूवमेंट, यानी कि सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू प्रोवाइड अस विद मूवमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो हमें प्रोवाइड करता है मूवमेंट कराने के लिए, उस सिस्टम के नाम बताने हैं तो दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे सिस्टम हैं जो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन में टू प्रोवाइड अस विद मूवमेंट, जो हमें मूवमेंट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, हमें प्रोवाइड यानी कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए, वर्क करने के लिए जो हमारी हेल्प करते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो ऐसे दो सिस्टम हैं जिसका नेम है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है शोल्डर हैज़ डैश जॉइंट। तो शोल्डर के अंदर जो जॉइंट होते हैं उनका क्या नाम है, तो शोल्डर के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। थर्ड है मसल्स आर जॉइंट टू बोन्स। जो मसल्स हैं वो जॉइन यानी कि जुड़ती हैं बोन्स किसके द्वारा, टेंडन्स होती हैं, यानी कि मसल्स जब बोन से जुड़ती हैं तो वो किसके द्वारा जुड़ती हैं, टेंडन्स के द्वारा, टेंडन्स बोला गया है। फोर्थ है देयर आर डैश पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, रिब्स आर अटैच्ड टू डैश इन फ्रंट। रिब्स जो अटैच होते हैं यानी कि सामने से, यानी कि फ्रंट में, हमारी बॉडी के अंदर फ्रंट में जो रिब्स अटैच होते हैं वो चेस्ट से अटैच होते हैं, उसके बाद एंड बैकबोन एट द बैक टू फॉर्म रिब केज। और हमारी बैकबोन यानी कि बैक की बात करें, पीछे की बात करें हमारे बैक साइड में बॉडी की, तो वहाँ बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं जो हमारे रिब्स होते हैं। यानी कि फ्रंट की बात करें तो चेस्ट से, और बैक की बात करें तो बैकबोन से, और पूरा एक रिब केज बना हुआ होता है, यानी कि रिब्स का एक जाल बना हुआ होता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, द डैश मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल। एक सेकेंड बच्चों, ये ऑप्शन मैंने छुड़वाया हुआ है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले सेवेंथ देख लेते हैं। कॉकरोच हैज़ डैश पेयर्स ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस लेग्स एंड विंग्स फॉर मूवमेंट, यानी कि कॉकरोच के पास कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जिनमें वो मूवमेंट करते हैं, और कितने पेयर ऑफ विंग्स होते हैं यानी कि कितने पंख होते हैं उसके जिनसे वो मूवमेंट करता है, और कितने लेग्स होते हैं। तो उसके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस लेग्स एंड विंग्स होते हैं, यानी कि 3 पेयर में लेग्स और विंग्स होते हैं उसके जो मूवमेंट करते हैं। तो 3 पेयर्स में कैसे हो गए, जो लेग्स होते हैं और विंग्स की अगर हम बात करें तो वो 3 पेयर में होते हैं लेग्स और विंग्स, और जिनके हेल्प से वो मूवमेंट करता है कॉकरोच की बात करें तो। लास्ट है बर्ड्स हैव डैश बोन्स एंड डैश बॉडी। तो बर्ड्स हैव होलो बोन्स, यानी कि बर्ड्स की जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, वो खोखली होती हैं, एंड फीदर्स बॉडी, और जो उसकी बॉडी होती है वो फीदर्स बॉडी होती है, यानी कि उसके ऊपर फीदर्स लगे होते हैं, पंख लगे हुए होते हैं जिनकी हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं, उड़ते हैं जो बर्ड्स होते हैं, और उनकी बोन जो होती है वो खोखली होती है, अंदर से होलो होती है, जो बहुत हल्की होती है, इस वजह से उनकी बॉडी भी हल्की होती है ताकि वो आसानी से फ्लाई कर सके, ऊपर की तरफ उड़ सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की बात करें, द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन विच पासिस थ्रू अवर वर्टिब्रल कॉलम एंड कंट्रोल्स अवर रिफ्लेक्सेस इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। जो एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन के जो एक्सटेंशंस हैं, अंदर के जो पार्ट हैं, विच पासिस थ्रू अवर वर्टिब्रल कॉलम, जो पासिस होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, एंड कंट्रोल्स अवर रिफ्लेक्सेस, और हमारी कंट्रोल्स करते हैं रिफ्लेक्सेस को, तो उसको ब्रेन बॉक्स बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, मैंने अभी एमसीक्यूज में बताया, जो हमारा ब्रेन बॉक्स है वो क्या है, क्रेनियम है, और क्रेनियम क्या है, द ब्रेन बॉक्स मेड ऑफ फ्यूज फ्लैट बोन्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड द स्कल। यानी कि एक ब्रेन बॉक्स जो बना होता है फ्यूज फ्लैट बोन से, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को इनसाइड द स्कल, हमारी खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसी को क्रेनियम बोलते हैं, वही ब्रेन बॉक्स होता है। सेकेंड है द पेक्टोरल गिर्डल सपोर्ट्स द बोन्स ऑफ आर्म। जो पेक्टोरल गिर्डल होती है वो सपोर्ट्स करती है हमारी जो आर्म्स है उसकी बोन्स की हड्डियों को सपोर्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। पेक्टोरल गिर्डल जो होती है वो हमारी आर्म्स की बोन्स में होती है, यानी कि आर्म्स के बोन्स को पेक्टोरल, उसके अंदर जो जॉइंट होता है उसको पेक्टोरल गिर्डल बोला है, जो सपोर्ट करता है हमारी आर्म्स की बोन्स को, हड्डी को। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टेट यस और नो, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने यस लिखना है, जो गलत है वो नो। आर द मसल्स अटैच टू बोन्स बाई लिगामेंट्स, यानी कि क्या मसल्स अटैच होती हैं बोन से लिगामेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट नो है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारी बोन्स होती हैं वो मसल्स से जुड़ती हैं टेंडन्स के द्वारा, फिलअप में भी बताया गया है।
सेकंड क्वेश्चन है, आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म कार्ड सिटे, यानी कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है अर्थवर्म का उसका नाम सिटे है। तो ये पूछा है हमसे कि क्या लोकोमोटरी ऑर्गन्स अर्थवर्म का सिटे कहलाया जाता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यानी कि यस, अर्थवर्म का जो लोकोमोटरी ऑर्गन जिससे वो मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह बदलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको उस ऑर्गन्स का नाम सिटे है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके सामने हम यस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्ट्रेट राइट और रोंग, राइट और रोंग बताना है, जो गलत है वो रोंग और जो सही है वो राइट। प्लांट शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि प्लांट शो मूवमेंट करते हैं जब हम उनको प्लांट मूवमेंट कब शो करते हैं, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि जब वो रेस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस का मतलब होता है जब हम उसको, अगर हम थोड़ा सा भी उसको टच कर दें तो वो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो वो एक मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हरकत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दिखाई देने लगता है। जैसे कि टच मी नोट का जो प्लांट होता है उसको जब आप टच करते हो तो उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, एकदम से मुरझा जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो जिसका मिमोजा नाम भी है टच मी नोट प्लांट का, तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कि स्टिमुली लोकोमोशन हरकत बता रहा है ना, कि स्टिमुलस बता रहा है, स्टिमुलस का मतलब होता है जो मूवमेंट रेस्पॉन्स करता है, यानी कि कुछ एक्सटर्नल तरीके से, जैसे हम सनलाइट के द्वारा, वाटर के द्वारा, टच करने के द्वारा जो उनके अंदर मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, तो उसी को ही स्टिमुलस बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। कैविटी इज़ द होलो स्पेस इनसाइड द ब्रेन बॉक्स, जो कैविटी होती है वो होलो स्पेस है हमारे ब्रेन बॉक्स के अंदर, बिल्कुल रॉन्ग है ये, कैविटी कोई ब्रेन बॉक्स के अंदर नहीं होती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। लास्ट है बी, एनालॉजी टाइप, रेडियस एंड उल्ना अपर लिम्स, ये एक एनालॉजी दी गई है। तो इसी तरीके से टीबिया एंड फिबुले, तो ये है लोअर लिम्स, ये लोअर लिम्स के अंदर होता है टीबिया एंड फिबुला। सेकंड है एक्सोस्केलेटन, जो स्नेल है, और एंडोस्केलेटन कैट्स है। एक्सोस्केलेटन इसके स्नेल के लिए यूज़ किया गया है और एंडोस्केलेटन कैट्स के लिए यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपकी एक्सरसाइज दी गई है, ई एक्सरसाइज, जिसमें मैचिंग है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन है लोकोमोशन, जिसका आंसर है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मैंने बात बताई गई है, मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को। लोकोमोशन वही होता है जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह किया गया है और जिस ऑर्गन्स की हेल्प से किया गया है उसको लोकोमोटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट किसके अंदर होता है, किससे मिलता जुलता वर्ड है, तो नेक के अंदर पाइवट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो ये हिप के अंदर होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट की बात करें तो ये नी के अंदर होता है ये जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट की बात करें, स्कल के अंदर होता है फाइब्रस जॉइंट। लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन की अगर हम बात करें तो वो फीमर है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो फीमर होती है। अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, सिटे होता है, जिससे लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, जिससे वो क्या करती है, अर्थवर्म यानी कि जो केचुआ है वो क्या करता है, मूव करता है ना सिटे। तो इसका आंसर है जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है अर्थवर्म का, वो सिटे है। एट्थ जॉइंट, बोन टू मसल्स, अगर एट्थ की बात करें तो इसमें टेंडन्स आएगा। नोज टिप, नोज टिप की बात करें तो कार्टिलेज। और फिश, टेन नंबर जो है फिश की बात करें तो इसमें फिन से रिलेटेड है ये, तो इनकी मैचिंग आप कर लोगे, बहुत इजी मैचिंग है, बहुत आसानी से इनके आंसर भी हमें नज़र आ रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आप इसको लर्न भी कर सकते हो और आसानी से इसको मैच भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आपका 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, इसका बुक वर्क, रिविज़न वर्क। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको भेज दी जाएगी रिविज़न वर्क की, बुक वर्क के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।